निमिषा जाके देख बुआ जी अभी तक क्यों नहीं आई। अब हम बुला लेते बुआ दादी को, कौनो जरूरत नहीं हमें बुलाए खातिर जाने की, हमें पता है आरती का टाइम हो गया है। आइए भाई साहब आरती शुरू कीजिए। हमको ऐसा क्यों लग रहा है लिटिल सिस्टर कि तुम्हारा दिमाग का फैक्ट्री में कोनो गोलमाल हो रहा है? कहाँ है रे बताओ? कुछ भी तो नहीं दीदी। हाय नव्या। रित, नव्या तू ठीक तो है ना? क्या हुआ तुझे? रित, प्लीज तुम आज यहाँ आ सकती हो? आज मैं अकेली नहीं रहना चाहती। अरे हाँ ऑफ कोर्स, तू टेंशन मत ले, मैं अभी निकलती हूँ। मैं एपी को भी साथ में लेके आती हूँ। ओके डोंट वरी, मैं आ रही हूँ। बाय। पता नहीं का चीज काटे थे हमें। अरे बहुत हटो हटो हटो, हमें जाए दो, हटो निकलो हटो, देखे हमारे कपड़े में कुछ है? बहुत काटे थे भाई। अरे रुको पहले हमें देखे दो का काट रहा है हमें। बहुत जल रहा है। क्या हुआ बुआ दादी, आप इतनी खुजली क्यों कर रही है? हाय पिता चीटी। तू कब कर रही इतनी देर से? अब खाना खाए नहीं खा रही, तब से भारतवर्ष का नक्शा बनाया जा रही है। पापा, वो रिच और हैप्पी आज रात यहाँ रह सकते हैं? का निकाल दिया घर वालों ने उन्हें? अरे बेटा इसमें पूछने की क्या बात है? वैसे नव्या हफ्ते के बीच में सब ठीक है ना? हाँ माँ, वो बस लेकिन ट्रेन क्यों दीदी? हम तो फ्लाइट से आए थे ना। हे भगवान, कैसे समझाएं इस बेवकूफ लड़की को? इसे कहते हैं अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेना। अगर ऐसे ही अपनी बेअकली का बाजा बजाती रहे ना तो बनारस तो जाएगी, वो भी बिना किसी रिटर्न टिकट के, क्योंकि यहाँ तो तुम्हारा दाल गलने वाला नहीं। फिर कह देना देवर जी को गुड बाय। हरे बल दीदी, एक बात पूछे, बुआ दादी को खुजाते हुए देखकर आपको भी तो मजा आया होगा ना?